दोस्तों बॉलीवुड विश्व भर में सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। यहाँ हर साल लगभग 1000 से अधिक फिल्में बनती हैं। इन फिल्मों में कुछ फिल्में हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप, वहीं कुछ ऐसी भी होती हैं जो बस अपना काम चला जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद कई फिल्में ऐसी होती हैं जिन पर किसी ना किसी कारण से सेंसर बोर्ड प्रतिबंध लगा देता है। इन प्रतिबंधित फिल्मों के पीछे कई कारण होते हैं। अश्लील भाषा, अश्लील दृश्यों के अलावा कई फिल्में धार्मिक कारणों और लिंग भेदभाव के चलते विवादों में फंस जाती है। आज हम बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने समय में काफ़ी ज़्यादा विवादित रही है। इनमें से कुछ फिल्में अब भी बैन हैं तो कुछ बड़ी मशक्क़त के बाद रिलीज हो पाई है। बैंडेड क्वीन। विवादित फिल्मों की बॉलीवुड में जब भी बात होगी तो सबसे पहला नाम बैंडेड क्वीन का ही आएगा। फुलन देवी की सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को शुरुआती दौर में बैन कर दिया गया है। हिंसात्मक और अश्लील भाषा के कारण इसको बैन किया गया था। फुलन देवी भारत का एक ऐसा नाम है जिसे बच्चा बच्चा जानता है। खास बात यह है कि सेंसर बोर्ड के अलावा इस फिल्म के कंटेंट की शिकायत खुद फुलन देवी ने भी की थी। गांडू। यह एक बंगाली फिल्म थी। इसमें बहुत सारे सेक्स सीन्स और नग्नता दिखाई गई थी। यह फिल्म ब्लैक एंड वाइट में शूट हुई और इसमें रैप संगीत का उपयोग किया गया था। इस फिल्म ने भारतीय संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया था, जिसके चलते सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज नहीं होने दिया। परजानिया। गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म परजानिया को गुजरात में बैन कर दिया गया था। इस फिल्म को ज़्यादातर लोगों ने सराहा तो कुछ ने इसकी आलोचना भी की थी। कामसूत्रा, ए टेल ऑफ लव। कामसूत्रा नाम सुनकर आप समझ तो गए होंगे कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया था। सन 1996 में मीरा नायर की फिल्म कामसूत्रा को इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खुलापन था। इस फिल्म को देश की जनता की भावनाओं के विपरीत समझकर इसे बैन कर दिया गया। पिंक मिरर। भारत जैसे देश में समलैंगिकता का मुद्दा सदैव ही संवेदनशील रहा है। इस पर आधारित वर्ष 2003 में रिलीज हुई फिल्म पिंक मिरर को बैन कर दिया गया था। मौजूदा समय में पश्चिमी देशों की तरह अब भारत में भी समलैंगिक लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तब ऐसा दौर नहीं था। वॉटर। फिल्म वॉटर में विधवा महिलाओं के जीवन से जुड़ी शाह दुनिया को दिखाया गया है। इस फिल्म को अकादमी अवार्ड 2007 के लिए नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन विवादों में आने के कारण इसे बाद में बैन कर दिया गया। सिंस। सिंस केरल के पादरी पर बनी फिल्म है जिसमें एक पादरी को एक औरत से प्यार करते दिखाया जाता है। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। इस फिल्म में बताया गया है कि पादरी अपने प्यार को कायम रखने के लिए समाज और धर्म की मर्यादाओं की परवाह किए बिना इस रिश्ते को निभाता है। कैथोलिक लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें कैथोलिक धर्म को सही तरीके से नहीं दिखाया गया था। सेंसर बोर्ड ने कैथोलिक लोगों की मांग के चलते इस फिल्म को बैन कर दिया। फायर। सन 1996 में बनी दीपा मेहता की फिल्म फायर को विवादों के बाद सेंसर बोर्ड को बैन करना पड़ा। इस फिल्म की कहानी एक हिंदू परिवार की दो सिस्टर इन लॉ की है। इसमें दोनों को लेस्बियन दिखाया गया है। यही कारण है कि इस फिल्म का शिवसेना जैसे हिंदू संगठनों ने विरोध किया, जिसके बाद इसे बैन कर दिया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।